में दूरों दराज से आए हुए लोग अपनी खिताबत के मुंतजर हैं। मेरी गुजारिश है कि हुजूर मसनद खिताबत पर तशरीफ़ लाएँ। हुजूर गाजी मिल्लत की ज़ात मुबारक के मोहताज तारुफ नहीं है, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हर हाल में दीन सुन्नियत की खिदमत फरमाई है। आइए नारे तकबीर से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गाजी मिल्लत, गाजी मिल्लत, जश्न आजम, उलमा अहले सुन्नत, जश्न मुहद्दिस आजम, जश्न गौस आजम, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا سبحان الله ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. سبحان الله صلّى الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس المحققین، محدث اعظم ہند کے جانشین، شہزادہ غزالیہ دوانہ راضی و وقت، امام اہل سنت، سادات کرام، علماء ملت اسلامیہ اور معزز حاضری، میں جانتا ہوں کہ آپ شیخ الاسلام کی زیارت کر رہے ہیں اور ان کی خطابت سے بھی اپنے قلوب کو منور کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اور انشاءاللہ وہ میرے بعد آپ کی اس مراد کو پوری کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا اعلان سنو اور طبیعت جھوم جائے اگر بات سمجھ میں آ جائے. میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جائلون، آئی ایم کریئٹر، خلیفہ. اللہ نے خلیفہ بنایا، مان لینا چاہیے نا جب اللہ بنانے والا. مگر ایک کھڑا ہو گیا، نہ
सारे फरिश्ते माने माने मैं नहीं मान। इस कोलना लेल मलाइकत इस जो दूले आदम फसा जादू इल्ला इबलीस अब वस्तकबर वो काना मिलल काफिरीन अकल गया। तो खिलाफत से इनकार करना आज का नया प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। मौका अलग अलग है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने अपना खलीफा दिया तो शैतान ने इनकार कर दिया, और रसूलुल्लाह ने जब अपना खलीफा दिया तो बेईमान ने इनकार कर दिया। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। मैं बना नहीं। अच्छा कितना जोरदार है इसमें मैं है। इन्नी वो जो खड़ा हुआ उसकी भी मैं है। अना खैरु मिनहु, वो भी अपनी अना लेके खड़ा हो गया। एक है रहमान की मैं, एक है शैतान की मैं। इसी दो मैं में तू सोच कि किस मैं में मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। दोनों की किस में। बोल्ड बदलने से माल नहीं बदलता। सुभान अल्लाह। कई कई बोल्ड लगा दिए, बस दो ही है। एक तीसरी बड़ी सादत मन में थी, बड़ी इस्मत माप थी। काई को आदम को पैदा करना, नस्लों पर मालूम जमीन पे फसाद करेंगे, झगड़ा करेंगे, हाथ में डंडा होगा तो डंडा बिला वजह चलाएंगे, बंदूक होगी तो बंदूक बिला वजह चलाएंगे, और मिसाइल होगा तो मिसाइल बिला वजह फेंकेंगे। अच्छा इन फसादियों की खबर कितने पहले से उन्हें। क्या बात। लेकिन जब अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तुमको सिर्फ फसादी दिखाई दी है। अल्लाह हिकमत वाला है। अरे आदम नहीं जाएंगे तो शीश कैसे पैदा होंगे, नूह कैसे पैदा होंगे, क्या मूसा कैसे पैदा होंगे, नबीन सिद्दीकीन शोहदा सालहीन का नूरानी सिलसिला कैसे चलेगा। जैसे मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते, सब सरेंडर हो गए। हे अल्लाह बिल्कुल तू बेमिसाल है, लाजवाब है, लाशरीक है। बची सिर्फ दो मैं, क्योंकि फरिश्तों ने अपनी मैं को मर्जी इलाही में खत्म कर दिया। अब बची दो, एक शैतान की मैं, एक रहमान की मैं। आज तक सिलसिला जारी है। इनकार कर दिया, और ये इनकार करने वाला 40 दिन के मजहबी माहौल में रहने वाला नहीं था। क्या कहने? बड़ा कच्चा था, 40 ही दिन तो रहा। क्या कहने? जी नहीं, 6 करोड़ बरस की इबादत करने वाला। एक रवायत के मुताबिक हवा में मलाइका को दर्श देने वाला, टीचर ऑफ जर्नल एंजल्स, मासूमों का पढ़ाने वाला। जब काफिर हो गया तो ये बच्चों के पढ़ाने वाले पे शुभा क्यों करते हो। अल्लाह ने कहा मैंने खलीफा बनाया, उसने इनकार किया। क्या क्या रिजल्ट आया, जन्नत में जाता था निकाल दिया गया। द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स, ही वॉज नॉट नीडी टू टेक परमिशन फॉर एंट्री। कहा जाता है अंदर जाता था, झूले पर बैठता था, झूला झूलता था, निकाल दिया गया। गेट आउट फॉर एवर। बोलो अब जन्नत में जाएगा, हमेशा के लिए निकाल दिया गया। वजह, नबी की ताजीम से इनकार। उस जुदूल आदम फसा जदू इल्ला इबलीस, ताजीमी सजदे में सब चले गए सवाई इबलीस के, तो नबी की ताजीम से इनकार। अब तो बात क्लियर है कि नबी की ताजीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत के अंदर हो तो अल्लाह बाहर कर देता। ये तो पहले ही से बाहर है।
क्या बात, वही गलती करेंगे तो अंदर जाएंगे कैसे? क्या बात, वाह। अबे छोड़ो इबलीस को, 420 को, इंडियन पुलिस को, इनसे क्या तवक्को रखेंगे आप? वाह क्या बात। आइए इस बात पर गौर करें कि आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा हमको तो मानना है। खलीफा इज अ वर्ड ऑफ अरबिक लिटरेचर। खलीफा खलफ से बना है, खलफ कहते हैं पीछे को, नहीं कहते नबी करीम के बाद जो आए उनके खलफ हैं, उनके बाद जो आए वो उनके खलीफा हैं, रिप्लेसमेंट हो जाता। पानी ना मिले तो वजू करो, ऐसा होगा? पानी ना मिले तो तयम्मुम करो, सुभान, क्योंकि तयम्मुम खलीफा है। जो काम वजू करके तुम कर सकते थे वो तयम्मुम करके भी कर सकते, वजू करके तुम कुरान छू सकते थे, वजू करके तुम नमाज पढ़ सकते थे, पानी नहीं मिला, कुदरत नहीं है, तो फिर तयम्मुम करके भी तुम नमाज पढ़ सकते हो, कुरान छू सकते हो। सुभान अल्लाह। खलीफा का काम ही असल तक ले जाना। तो आदम अलैहिस्सलाम अगर खलीफा हैं अल्लाह के, तब सोचना पड़ेगा कि अल्लाह को तो खलफ नहीं, अल्लाह का कोई आगा नहीं, अल्लाह का कोई पीछा नहीं, अल्लाह का कोई बैक नहीं, अल्लाह का कोई फ्रंट नहीं, अल्लाह का कोई तहत नहीं, अल्लाह का कोई फोक नहीं, अल्लाह जहत से पाक है, डायरेक्शन से पाक है, लिमिट से पाक है, लिमिटेशन से पाक है, मकालो मकानियात से पाक है, तायुलो तायुनात से पाक है, हदोल हदूद से पाक है, शक्लो रशकाल से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है, वो जहतों से पाक है, डायरेक्शन से पाक है, न उत्तर है न दक्षिण है न पूरब है न पश्चिम है, वो जहतों से पाक है। क्या बात है, क्या। तो जब अल्लाह का कोई सलफ नहीं, अल्लाह का कोई खलफ नहीं, अल्लाह का कोई अगला नहीं, अल्लाह का कोई पिछला नहीं, अल्लाह दाहिने से पाक है, अल्लाह बाएं से पाक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब उसका खलफ नहीं तो खलीफा कैसे? जो जाते किबरिया खलफ से पाक हो उसका कोई खलीफा कैसे? बड़ा पॉइंट, सुनो, अल्लाह खलफ से पाक है, यह हमारा ईमान है। हक, हक। क्या है? अल्लाह खलफ से पाक है, ये हमारा ईमान है, और आदम खलीफा हैं, ये कुरान है। ओहो हो, न हम ईमान छोड़ेंगे, न हम कुरान छोड़ेंगे, हम ढूंढेंगे कि आखिर वो है कौन जो आदम से पहले है, आदम उसके बाद, वो बिफोर है, आदम उसके आफ्टर, वो सलफ है, आदम उसके खलफ। यकीनन आदम खलफ है, मगर जब खुदा खलफ से पाक है तो हमें कैसी हस्ती को ढूंढेंगे जो आदम से पहले हो आदम उसके बाद हो, जो आदम के कबल हो आदम उसके बाद हो, जो आदम का सलफ हो आदम उसके खलफ हो। तो ये हदीस हमारी रहनुमाई करती है, अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया, सबसे पहले मेरा नूर बनाया, जमी से पहले जमा से पहले, मकीन से पहले मका से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कत्ता कत्ता से पहले, सहरा सहरा से पहले, मलक से पहले, चमक से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इसराफिल से पहले, इसराइल से पहले, नबीयीन से पहले, सिद्दीकीन से पहले, शोदा से पहले, सालहीन से पहले, अगवा से पहले, अक्ताब से पहले, अवतार से पहले, अब्दाल से पहले, रुकबा से पहले, नुकबा से पहले, रोजबा से पहले, कायनात की हर चीज से पहले, आगम से पहले। बहुत, बहुत, बहुत। अब एक और हदीस से फैज हासिल कर, सुभान अल्लाह, कुंत नबियन व आदम बैन अल माए व तीन, मैं तो उस वक्त नबी था, अब आदम आबो गिल मिट्टी और पानी के दरमियान थे, आई वॉज प्रॉफिट एट दैट मोमेंट, आदम वॉज बिटवीन वॉटर एंड सोयल, नॉट कंप्लीटेड बाई अल्लाह अलमाइटी, एट दैट टाइम आई वॉज प्रॉफिट। जाबे तिर्मिजी शरीफ में बख्तलाफ अल्फाज बैन रूह है वल जसद, जब रूह है जिस्म के दरमियान, इन दोनों हदीसों से यह साबित हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से पहले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तखलीक से, कंप्लीट क्रिएशन से, कंप्लीट मेकिंग से पहले,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है। कुन तो नबियों, ये वजूद की बात नहीं है, मनसब की बात है, मैं नबी था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम से पहले नबी, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ो, हु इज फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, पहला आदमी कौन है दुनिया में? आदम अलैहि सलाम, पहला इंसान। हु इज फर्स्ट मैन, पहला बशर आदम अलैहि सलाम। इसीलिए हजरत आदम को बशर कहते हैं, क्योंकि आदम से पहले कोई आदमी नहीं। आदम से पहले कोई बशर है? आदम से पहले कोई आदमी? आदम से पहले कोई इंसान? आदम से पहले कोई मनुष्य? आदम से पहले कोई ह्यूमन? आदम से पहले कोई मर्द? आदम से पहले आदमी नहीं। और रसूल कहते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो बशरियत से पहले, जो आदम से पहले वो इंसानियत से पहले, जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा आदमी कैसे होगा? इसका मतलब है कि मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। सुभान अल्लाह, अब बात खुलकर सामने आ गई कि हुक्मे नबूवत के लिए, अल्लाह करे ये जुमला कैच कर लो, हुक्मे नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए रसूल, जब तक तुम्हें नबूवत वाला बनाया जाएगा बशर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जब मक्के में ऐलान नबूवत के लिए भेजा जाएगा तो बशर बनाया जाएगा, क्योंकि तुम बशर बनकर के नहीं जाओगे तो बशर को रास्ता कौन दिखाएगा? आदमी बनकर के नहीं जाओगे तो आदमी की रहनुमाई कौन करेगा? ये पैगंबर, जब तुम चलोगे मेरे बंदों को चलना आ जाएगा, जब तुम बोलोगे मेरे बंदों को बोलना आ जाएगा। ये पैगंबर, जब आप तजारत करें ताकि मेरे बंदों को तजारत करना आ जाए। ये पैगंबर, आप गारे हेरा में तन्हाइयां ले ले ताकि मेरे बंदों को खलवत में रहना आ जाए। हे रसूल, आप शादी ब्याह करें ताकि मेरे बंदों को अज़वाजी जिंदगी गुजारना आ जाए। बदर, खैबर और खंदक में दफाई अमन के लिए आप तलवारें उठा लीजिए ताकि नफाज़े अमन के रास्ते मेरे बंदों को मालूम हो जाए। हे पैगंबर, आप बारगाहे किबरिया में झुक जाइए ताकि मेरे बंदों को इबादत करना आ जाए। पेट पर पत्थर बांध लीजिए ताकि बंदों को पत्थर बांधना आ जाए। हे पैगंबर, आप कब्र में लेट जाइए ताकि मेरे बंदों को कब्रों में लेटना आ जाए। हे पैगंबर, इस्लाम फैलाने के लिए आप लहू लहान होने को तैयार हो जाइए ताकि मेरे बंदों को कुर्बानी देना आ जाए। और जब इस्लाम खतरे में पड़े तो करबला के मैदान में अपने खानदान को कटवा दीजिए ताकि मेरे बंदों को कुर्बानी दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बशर हम भी हैं अपनी जरूरत के लिए, बशर हम भी हैं अपनी हाजत के लिए। पैगंबर बशर कर बन के आए लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहबरी के लिए, लोगों के प्रॉपर गाइडेंस के लिए। याद रखना, हमारी बशरियत और है, उनकी बशरियत और है, और यही जेर गौर है। एक बात बताओ, आप लोग एक ऐलान, ऐलान खुदा का है, जुबान मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह, लौला कलमा खलकुल अफलाक। सुभान अल्लाह, ए नबी, तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं आसमान ना बनाता। लौला कलमा खलकुल दुनिया, ए नबी, तुम्हें पैदा करना नहीं होता मैं दुनिया ही नहीं बनाता। तो दुनिया नबी के लिए, आसमान नबी के लिए, धरती नबी के लिए, गगन नबी के लिए, फिजा नबी के लिए, समा नबी के लिए, सब कुछ यहाँ नबी के लिए, सब कुछ वहाँ नबी के लिए, सारा जहाँ नबी के लिए। बात साफ हो गई? अब जरा सा करीब आ जाओ। जब तक शेखुल इस्लाम बैठे हैं आप लोग रहोगे कि नहीं? कानून क्या है? जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। चैलेंज करता हूँ, जो लोग मेरे लिए आए होंगे मेरे जाते ही सरक लेंगे।
मैंने अक्सर नातिया मुशायरों में देखा है बेकल बेकल पढ़ लिए फिर वो कोई पढ़ लिया बेकल आधे से ज्यादा टल निकल गए। लेकिन जो लोग शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के लिए यहाँ आए हैं तब तक रहेंगे जब तक शेखुल इस्लाम रहेंगे, क्योंकि जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। अबे मैं यहाँ मेरे लिए जो लोग आए हो वो सब यहाँ रहेंगे। ये हॉल हजरत मदनी मियां साहब के लिए, शेखुल इस्लाम के लिए है, माइक लगा है, मैं बोल रहा हूँ, हम सब आए हैं, मेहरबानी है, बहुत बड़ी आसानी है। सुभान। ये भी एक बूढ़े की कुर्बानी है। क्या बात, समझ लो एक प्लेट बिरयानी है। तो जब तक हाशमी है माइक रहेगा, जब तक हाशमी है डाइस रहेगा, जब तक हाशमी है सजावट रहेगी, जब तक हाशमी है लाइटिंग रहेगी, क्योंकि तुम अगर हाशमी के लिए हो तो हाशमी के रहने तक रहोगे। जो जो हाशमी के लिए है, ये तकरीब फहम के लिए बता रहा हूं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट विल बी इजी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जो जो हाशमी के लिए है वो हाशमी के रहने तक रहेगा, जो जो शेखुल इस्लाम के लिए है वो शेखुल इस्लाम के रहने तक रहेगा। और जब हम दोनों भाई बाहर चले जाएंगे एक घंटे के बाद आके देखना, पता चल जाएगा कि कितना भाइयों के लिए था हुजूर शेखुल इस्लाम के लिए और मेरे लिए क्या क्या था। एक घंटे के बाद आके देख लेना, मगरिब बाद आओगे तो असलियत मालूम हो जाएगी कि क्या क्या हमारे लिए था, क्या क्या शेखुल इस्लाम के लिए था जो चला गया। तो जब ये सारी कायनात नबी के लिए है तो जब तक नबी है जमीन रहेगी, जब तक नबी है आसमान रहेगा। क्या बात है, जब तक नबी है सूरज रहेगा, जब तक नबी है चांद रहेगा, जब तक नबी है सितारे रहेंगे, जब तक नबी है दरिया रहेगा, जब तक नबी है समंदर रहेगा, जब तक नबी है पहाड़ रहेगा, जब तक नबी है कायनात रहेगी, सब नबी के लिए। जब तक शेखुल इस्लाम है जलता रहेगा, जब तक शेखुल इस्लाम है माइक बोलेगा, जब तक शेखुल इस्लाम है मजमा रहेगा, जब तक शेखुल इस्लाम है लाइटिंग रहेगी, जब तक शेखुल इस्लाम है ये जश्न आजम मनाया जाता रहेगा, क्योंकि सब शेखुल इस्लाम के लिए। तो जब सारी दुनिया रसूल के लिए, तो जब तक रसूल है जमीन रहेगी, जब तक रसूल है आसमान रहेगा, जब तक रसूल है सूरज रहेगा, जब तक रसूल है कायनात रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब ये चले जाएंगे तो जलसा खत्म, किंग जॉर्ज हॉल का निजाम गरहम गरहम, शेखुल इस्लाम गए बाहर, कुछ नहीं मिलेगा अंदर। तो जब सारी दुनिया रसूल के लिए है तो जब तक रसूल है दुनिया रहेगी, और जब रसूल यहां नहीं रहेंगे जमीन का फर्श लपेट दिया जाएगा, आसमान का शामियाना गिरा दिया जाएगा, सितारों के कुमकुमे बुझा दिए जाएंगे, आबशारों से नगमे छीन लिए जाएंगे, समंदरों से तुगयानी खत्म हो जाएगी, पहाड़ों की बुलंदी खत्म हो जाएगी, निजाम गरहम बरहम। तो नबी के रहने का नाम वजूद है और ना रहने का नाम कयामत। यहीं से एक सूफी ने नुक्ता पकड़ लिया कि जिस दिल में मुस्तफा है उस दिल में नूरे वजूद है। सुभान अल्लाह। जिस दिल में नबी नहीं है वहां कयामत मची हुई है। ओहो, वाह वाह वाह। हुजूर राजिए वक्त के चश्मों चराग, अगर मुझसे कोई पूछे कि कहे कि हजरत कयामत तो अचानक आएगी, तो मेरा समझ, मैं तो यही समझूंगा मेरा नबी अचानक जाएगा। अल्लाह, क्योंकि जब तक नबी है सब है, जब तक शेखुल इस्लाम है जलसा है, क्योंकि जलसा ही इनके लिए, तो जलसा इनके रहने तक रहेगा, उनको तो पूरी दुनिया उनके लिए, तो उनके रहने तक रहेगी। सुभान अल्लाह, उनके रहने तक रहेगी। आखिरी मोड़ पर आपकी तवज्जो चाहे तो, आप लोग मुझे देख रहे हजारों की तादाद में है लेकिन ओवर क्राउडेड होने की वजह से
और कानून और जाब्ते की पाबंदी की वजह से बहुत से लोगों को रोक दिया गया है, वो बाहर हैं और नहीं देख रहे मुझको, आपस में खुसुर फुसुर। कौन बोल रहा है? बोले हाशमी बाबा बोल रहे। अबे दिखते तो नहीं, कसम खुदा की हाशमी मियाँ बोल रहे हैं। अरे नेक बख्त, बगैर देखे इतनी भारी कसम उठा ली? का तू पागल है? ऐलान नहीं बड़ा था कि बाहरी उलमा के बाद आखिर में उनको बुलाया जाएगा, और बिल्कुल आखिरी वक्त है और आवाज आ रही है। अगर आजमी बाबा नहीं होते ना तो उधर मजमा भी नहीं होता। वो मुझे नहीं देख रहा है लेकिन कसम खा के कह रहा है कि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उसकी नजर मजमे पे, महफिल पे, आवाज पे, क्या बात, सजावट पे है, निजाम के तसलसल पे है कि जलसे का नज्म जारी है, महफिल मौजूद है तो जाने महफिल है। शेखुल इस्लाम ना होते तो ये सब उठ के चले गए होते। तो अब शेखुल इस्लाम दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, क्या बात, वाह, हम निजाम देख के मानेंगे, इंतजाम देख के मानेंगे, वाह वाह वाह, मजमा देख के मानेंगे, माइक की आवाज पे मानेंगे, रोशनी पे मानेंगे। क्योंकि अगर शेखुल इस्लाम ना होते तो जलसा ना होता, आवाज ना होती, मजमा ना होता, सजावट ना होती। हम सजावट देख के शेखुल इस्लाम को मानेंगे, क्या बात, मजमा देख के शेखुल इस्लाम को मानेंगे, माइक की आवाज सुन के। वाह भाई वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। करीदा दहलो गुस्ताखो, कान खोल करके सुन लो, हमें नबी दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, हम जमीन देख के नबी को मानेंगे, आसमान देख करके नबी को मानेंगे। सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह। ये रब का करम है। वाह, आदम से पहले। अब तो बात साफ हो गई कि नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलफ, सुभान अल्लाह, आदम उसका खलफ। तो भाई जब आदम अलैहि सलाम खलफ हैं तो खलीफतुर रसूल कहो, सुभान अल्लाह, खलीफतुल्लाह क्यों कहा गया? खलफ है नूर, क्या बात है, क्या बात। जैसे हम सिद्दीक अकबर खलीफतुर रसूल, फारूक आजम खलीफतुर रसूल, उस्मान गनी खलीफतुर रसूल, तो इन्हें भी कहो खलीफतुर रसूल। खलीफतुल्लाह क्यों? आइए मैं आपको कुरान से समझाने की कोशिश करूंगा। क्या बात, तुम दोनों को अलग क्यों कर रहे हो रे? खलीफतुर रसूल खलीफतुल्लाह नहीं होगा। सुभान अल्लाह, ये सवाल कैसे कर लिया? खलीफतुर रसूल ही तो खलीफतुल्लाह भी है, ये अलग अलग कहां है? भूल गया कि हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, सुभान अल्लाह, काफिरों की घात है, बड़ी मुश्किल में महालात हैं, और उन हालात में नबी करीम ने अली से कहा बिस्तर पे सो जाओ, मेरे बिस्तर पे, सुबह उठना, अमानतें फलां फलां की हैं उनको पहुंचाना, ताकि वो मुझ पर इल्जाम न लगाए, नबी गए तो अमानत भी ले गए, दामने अमानत पे दाग नहीं लगना, तुम सुबह उठना और सबको देना, फिर आना, मौत के उस खतरनाक बिस्तर पर जो काफिरों के हमले की जद पे हो। अली फरमाते हैं मैं सुकून से सो गया, ऐसी चैन की नींद मुझे पूरी लाइफ नहीं आई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अरे बाप रे बाप, अगर दो पुलिस वाले दरवाजा हमारा खटखटा दें तो हफ्तों नींद नहीं आती। वाह, और यहाँ 40 गुंडे बुजहल बुल है मारका अकबर शाइबा एंड कंपनी, 40 गुंडे दरवाजे पे खड़े, 80 आंखें, क्या बात,
आजकल के बदअकीदे जो नस्ल में पैदा होते हैं वो एक आँख के होते हैं, लेकिन उस जमाने में दो आँख वाले थे क्योंकि वो नजदी नहीं मक्की थे, दिमाग खराब था अलग बात थी मगर जगह अच्छी थी। तो 80 आँखें दरवाजे पे टकटकी लगाए हैं। क्या बात, रसूल पाक ने कंकरी उठाई और फेंका, सामने ही से नबी चले गए। हाँ। किसी काफर ने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं देखने से यह तो साबित नहीं होगा कि गुजरे नहीं। सुभान अल्लाह। नबी गुजरे यकीनन, दिखे नहीं क्योंकि वो देखे कैसे, कंकरी लग गई। क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हमारे वलियों ने मीलाद में नबी को देखा, अगर तुझे नहीं दिखते तो मैं क्या करूं, कंकरी लग गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत। वाह, क्या कहने, सुभान। नबी करीम निकल गए, तारीख कहती है कंकरी नबी ने मारा, मुशाहिदा कहता है नबी ने मारा, नबी जान रहे हैं कि मैंने मारा, हाथ नबी का, इरादा नबी का, फेंकना नबी का, मगर खुदा कह रहा है वमा रमैता इज रमैता लेकिन अल्लाह रमा। ए महबूब, जो कंकरी तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, वलाकिन अल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। तो कंकरी फेंकने को अल्लाह ने अपना फेंकना कहा कि नहीं, फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह, अल्लाह क्यों करते हो। क्या बात, दूसरी आयत करीमा, मैं युतीउ रसूल फकद अता अल्लाह, मैं युतीउ रसूल, जिसने अतात की रसूल की, फकद अता अल्लाह, बेशक उसने अतात की अल्लाह की। का मतलब, मैं युतीउ रसूल, जो मुतीउ रसूल हो गया। अरे भाई, जब अता, जब वो अतात करेगा रसूल की तो मुतीउ रसूल हुआ, तो जो रसूल का मुतीउ रसूल है, फकद अता अल्लाह, वही तो मुतीउल्लाह है। तो मोतीउर रसूल को कुरान ने मोतीउल्लाह कहा कि नहीं, तो जिस गायत कुर्ब की बुनियाद पर, तवज्जो, सुभान अल्लाह, जिस डियरेस्ट और नियरेस्ट होने की बुनियाद पर, जिस गायत कुर्ब की बुनियाद पर मोतीउर रसूल को मोतीउल्लाह कहा जा रहा है, उसी गायत कुर्ब की बुनियाद पर खलीफतुल रसूल को खलीफतुल्लाह कहा जा रहा है। सुभान अल्लाह, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। सुभान अल्लाह, जब तक आपकी खिलाफत का नूरानी और रूहानी रिश्ता खल्फाए राशिदीन से था, चहरदा खानवादा मिन इब्तिदाए इला यौमिना हाजा, रूहानी 14 खानवादे से आप मरबूत रहे, आपकी खिलाफत खिलाफत थी, ईमान मजबूत खिलाफत मजबूत, अकीदा मजबूत खिलाफत मजबूत, सुभान, पाबंदी शरा मजबूत खिलाफत मजबूत, रूहानी तकाजों की तकमील मजबूत खिलाफत मजबूत, गौसे आजम को मिली खिलाफत मजबूत, सुभान अल्लाह, गौसे आजम मजबूत खिलाफत, मजबूत दाताए आजम मजबूत खिलाफत वाले, ख्वाजाए आजम मजबूत खिलाफत वाले, मखदूमे आजम मजबूत खिलाफत वाले, सुभान अल्लाह, कुतुबे आजम मजबूत, और मुजद्दिदे आजम अल्लाह मजबूत खिलाफत वाले। ये जितने भी आजम, सबकी खिलाफत नबी की नियाबत का नूर, सुभान अल्लाह, अली की हिमायत का रंग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तब इनकी खिलाफत मजबूत। एक और खिलाफत है, जो खिलाफत नहीं है, खाली आफत है। ओहो, वो खुले दारुल उलूम से नहीं, बंद से बचती है। वो कुछ रूहानियत के व्यापारी,
तावीजों के सौदागर, जिसे शरीयत की जरूरत हो उसे तरीकत सिखाना, जिसके सर में बाल ना हो वहां मांग निकालना। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, तहज्जुद तक जगाते हो, क्या बात है। फर्ज अदा नहीं करता, रोजा रखवाते हो नफिल का। ये ड्रामा बंद हो, पैदा होने वाले बच्चे को मां का दूध चाहिए, पिज्जा मत खिलाओ। क्या बात, सलाहियत देख के फीडिंग करो। अबे अभी उसको एक हफ्ता हुआ है, मदर मिल्क चाहिए उसे, उसको बर्गर दोगे? अभी शरीयत पे पूरा अमल नहीं कर पाया, तरीका समझ में आएगी? क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। मांग बहुत अच्छी चीज, हमारी माँ पहले मांग निकालती है, जब वो मर्द भी कानों की लौ तक सरकार की सुन्नत में बाल रखे और बीच में मांग निकाले, यार ब्यूटी बढ़ जाती है। तो ये मांग जो है ये तरीकत है, सर का बाल शरीयत है, सुभान अल्लाह, कमाल है। पूरी पूरी बाजार चकलों की है, और मांग निकालने की तहरीक, वो भी इंटरनेशनल तहरीक। क्या बात, ऐसी खिलाफत, खिलाफत नहीं खाली आफत है। उस अशरफी की क्या खिलाफत जिससे मखदूम अशरफ नाराज हो, उस रिजवी की क्या खिलाफत जिससे अहमद रजा का दिल टूटा हो, उस कादरी की क्या खिलाफत जिससे बगदाद वाला राजी ना हो, उस दाता की खिलाफत पाने का क्या फायदा जिससे दाता लाहौरी को चोट पहुंची हो। सरकार नक्शबंद का दिल तोड़कर नक्शबंदी नहीं हो सकता, हक आकाए सोहरवर्द का दिल मजरूह करके सोहरवर्दी नहीं हो सकता। ऐसे ही सिद्दीक को, फारूक को, उस्मान की रूहानियत को छोड़कर किसी की खिलाफत खिलाफत नहीं, खाली आफत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे आफतियों से बचना है। अबे हम देखते हैं जब कोई सक्सेस होते ही नहीं, हार्ड मेहनत किया, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, काम नहीं चला, बाबा बन गया, मदरसे में गया, पढ़ नहीं पाया, भूल गया, तकरीर नहीं कर सकता, हदीस नहीं समझा सकता, मुनाजरा नहीं कर सकता, अकीदे पे किताब नहीं लिख सकता, बाबा बन गया। ये मालूम हुआ कि बाबा पंजाबी खाने का कोई ढाबा है। क्या बात, जरा सा कोई बात हुई तो याद रखिए कि खलीफे रसूलुल्लाह, खलीफतुल्लाह, तो जिस गायते कुर्ब की बुनियाद पर मोतीउर रसूल को मोतीउल्लाह कहा गया है, उसी गायते कुर्ब की बुनियाद पर खलीफतुल रसूल को खलीफतुल्लाह कहा गया। इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, और अल्लाह का सच्चा खलीफा वही है जिससे शैतान नाराज हो, शैतान की औलादें नाराज हों। जैसे हजरत आदम सच्चे खलीफा थे तो शैतान उनसे नाराज हुआ, उनकी और शैतान की जो जुर्रियत है वो भी आज तक नाराज है। तो सच्चा खलीफा आज के दौर में भी वही होगा जिससे बातिल ताकतें नाराज हों और हक पसंदों की मेहरबानी और दुआएं उसके साथ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आखिर में मेरी एक जिम्मेदारी मुझे हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन सैयद मोहम्मद मदनी शफी जीलानी मदज़िल्लाहुल आली ने एक जिम्मेदारी सुपुर्द की है कि ये उनके पैड पर लिखा हुआ उनका एक ऐलान है, और इस ऐलान को मैं अपनी ज़बान से करूँगा ताकि हजरत की तहरीर और मेरी ज़ुबान आपके लिए इत्मीनान का बाइस बने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक ज़रूरी ऐलान नहायत अफसोस के साथ मुझे ये ऐलान करना पड़ रहा है, ये शेखुल इस्लाम की तहरीर है, मुझे ये ऐलान करना पड़ रहा है कि इधर कुछ अरसे से मौलाना मुफ्ती शमसुद्दोहा सल्लमहू ने
मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया। यहां तक कि टेलीफोनी राबता भी नहीं कर रहे, इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है कि बाज हालात के पेशे नजर उनके ताल्लुक से मेरे जहन में जो ख्यालात आ गए हैं मैं उनकी सफाई कर सकूं। ऐसी सूरत में मुहद्दिस आजम मिशन यूके के सरबराह आला होने की हैसियत से मिशन के जिम्मेदारों को मेरी तरफ से हिदायत है कि जब तक मुफ्ती साहब सल्लमहु मुझसे बिलमुशाफा मुलाकात करके अपने सारे मामलात साफ नहीं कर लेते उस वक्त तक के लिए मिशन के अंदर उन्हें एजाजी तौर पर इमामत व खिताबत वगैरह की जो रियायत गाहे बगाहे दी जाती रही है उसे मौकूफ रखा जाए, और फिर इस एजाजी रियायत के लिए भी मेरी दूसरी हिदायत का इंतजार किया जाए। इस ताल्लुक से अवाम व खवास में से जो लोग कुछ कहना सुनना चाहें और हकाइक को मालूम करना चाहें वो 15 जुलाई 2006 तक मुझसे बिलमुशाफा गुफ्तगू करके मालूम कर सकते हैं। फ़कत वस्सलाम, दुआ गो सैयद मोहम्मद मदनी अशफी जीलानी सरबराह आला मुहद्दिस आज़म मिशन। हजरात, अब लीजिए हमारी हिदायत व खिताबत के लिए मैं बहुत ही मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम हुमाम हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफ़ी जीलानी दामद बरकातुहुल आलिया से जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद तशरीफ़ लाएँ। तारीख गिफ्ट एंड इस्लामिक आडियो वीडियो सेंटर 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ मौजूआत पर उलमा इकराम की बसीरत अफरोज़ तकारीर कुर्रा इज़्ज़ाम की आवाज़ में तिलावत कलाम पाक नातों और दिलचस्प मनाजरों के आडियो और वीडियो कैसेट्स दस्तियाब हैं। पोटवारी अशार कव्वालियों की कैसेट और इसके अलावा कारी मोहम्मद अशरफ सयालवी की कैसेटें पूरे यूके में सिर्फ हमारे यहाँ मिलेंगी। तारीख गिफ्ट एंड इस्लामिक आडियो वीडियो सेंटर 10 कॉर्लाइल रोड नज़दनफिया मस्जिद ब्रेडफोर्ड 8 टेलीफोन 4803 और 7775721।